Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. Now let's start with the topic, that is image formation by plane mirror. What happens that when we see ourselves in front of the mirror, then we look so good because what we are, we see particularly in the mirror. If you raise your right hand, then in the mirror, your left hand will be raised. That means there must be some lateral inversion take place between you and your image. Today, I am going to explain you in brief that how the image is formed inside the mirror. For that, you have to go back when we taught the reflection topic. तो जब भी light किसी plane mirror पर strike करती है, तो उस point से वो light वापस reflect हो जाती है. And in that condition, there were some laws, that is angle of incidence is equals to angle of reflection. So following that particular concept, we have to move to this image formation concept as well. First, let's see what is this image. इमेज जो होती है आपकी, ये दो तरीके की होती है. एक आपकी होती है वर्चुअल इमेज और दूसरी आपकी होती है रियल इमेज. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शीशे में देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है वो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको वापस दिखाई देती है. अब हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करती है. मतलब आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, आपको ये लगेगा देखने में कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है. मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी, अगर आप उसको एक्सटेंड करें पीछे, तो वो शीशे के अंदर जा कर के मीट होगी. और जिस पॉइंट पर वो मीट होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट where the image is formed. मतलब आप क्या कहेंगे कि शीशे के अंदर कैसे काम हो रहा है? अब देखिए, जो फिजिक्स है, this is totally based on fiction and some assumptions. तो ये हमारा assumption ही है कि light जब हमारे पर पहुंचती है, तब हमारी आंखें reflection identify नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें देखने में लगता है कि light हमारी शीशे के अंदर जो object है, वहां से आ रही है. तो शीशे के अंदर का जो object होता है, उसको हम बोलते हैं image. That is, it is formed by the intersection of the extended reflected rays. अब ये जो मैं इमेज की बात कर रही हूँ, बेसिकली आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते, किसी और ऑब्जेक्ट पर आप इसको कलेक्ट भी नहीं कर सकते. इसी वजह से इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. लाइकवाइज ऐसी कुछ इमेज हैं जो शीशे के सामने हमको मिलती हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में उन इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज. और वो जो इमेज है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं और इसी वजह से उसका नाम है रियल इमेज. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नाउ इमेज को समझने के बाद कि इमेज होता क्या है, इमेज फॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अगर हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल, यू कैन नॉट कलेक्ट इट एनीवेयर. सिमिलरली अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज हमारी इमेज का भी होता है. आप शीशे के सामने खड़े हैं तो ऐसा तो नहीं है तो आपकी हाइट जितनी है उससे कम हाइट की इमेज आपको दिख रही हो या उससे लंबी हाइट की इमेज आपको दिख रही हो. नो, आप जैसे हैं वैसे ही आपको इमेज दिखाई देती है. दैट इज साइज ऑफ योर्स इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज. इट इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ योर्स. The third is that the distance of the object from the mirror is equals to the distance of the image from the mirror. मतलब अगर दो स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो इमेज भी आपकी दो स्टेप पास आएगी, अगर दो स्टेप आप पीछे जाएंगे तो आपकी इमेज भी दो स्टेप पीछे जाएगी. और दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इट ऑलवेज रिमेन equal. We will prove it by some small derivations. Now, अगर हम fourth point पर आते हैं, तो उस condition में जो image formation होता है, that is laterally inverted. Lateral inversion से क्या मतलब है?
अगर शीशे के सामने आप अपना लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो आपकी इमेज अपना राइट हैंड रेज करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको टेस्ट करने के लिए आप एक काम करिए, एक पेपर पे कोई नाम लिखिए, उसके शीशे के सामने रखिए और उसको पढ़िए, तो आप देखेंगे कि वो जो नाम है वो आपको उल्टा दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। सो दिस इज हाउ इट इज डन। So this is about the properties and the image formation. Now let's come to prove that the distance of the object from the mirror and the distance of the image from the mirror are equal. So now let's start with the proving. In order to start this derivation, सबसे पहले देखिए, जब भी कोई incident ray प्लेन मिरर से 90 डिग्री एंगल पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन मिरर से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, जस्ट लाइक द इंसिडेंट रे। लेट्स सी द लॉजिक बिहाइंड इट। हमको पता है कि इंसिडेंट रे जब प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है तब उस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही पाथ पे ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो हो जाएगा और इंसिडेंट रे का एंगल प्लेन मिरर से 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस कंडीशन में एंगल आर भी आपका जीरो हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ में ट्रेवल करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके अगेन लेट्स ड्रॉ वन डायग्राम। इस कंडीशन में ओ कंसिडर करिए एक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से दो लाइट आगे मूव कर रही हैं। सबसे पहली लाइट जो परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है और दूसरी लाइट जो एक पर्टिकुलर एंगल पर प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी। अब जो परपेंडिकुलर लाइट स्ट्राइक करेगी एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर हमको मिल जाएगी और जो लाइट आपके एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक हुई है देन द नॉर्मल दैट इज अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द प्लेन मिरर और उस नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस बाउंस हो जाएगी, वेयर एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि आपकी जो दो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं, लेट से DE और दूसरी है आपकी OP, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करिए सच दैट इट मीट एट अ पॉइंट इनटू द मिरर और इस पॉइंट को हमने कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है। So this is the point where image formation takes place. Now referring from the diagram, we can write that OD and OP are the incident ray while ED and PO are the reflected ray. GD is the normal drawn. O is the point from where the light originates and I is the point where the image is formed. Now from the figure we can see that DG is parallel to OI. So using geometry we can say so that angle EDG is equals to angle DIO which is your corresponding angle. Likewise you can also see that angle EDG is equals to angle GDO. From the law of reflection, that angle of incidence is equals to angle of reflection. Comparing the two equations, you can get that angle DIO is equals to angle GDO. Mark it as equation number 1. As we can see from the above figure that angle GDO is equals to angle DOI, which is your interior alternate angle. Mark it as equation number 2. On comparing 1 and 2, you will get that angle DIO is equals to angle DOI. Thus, triangle ODI is a isosceles triangle because the opposite side now becomes equal. So, we can say that OD become equal to D of I. Mark it as equation number A. Now, referring to other side of the triangle that is DIP,
We can say so that pi square is equals to di square minus dp square, because as we have already studied that OP, the incident ray, strikes the mirror at 90 degree, thus the reflected ray also strikes the mirror at 90 degrees. So this becomes a right angled triangle. Now from equation number A, that is OD is equals to DI, so using this equation in the above equation, that is instead of DI we can put OD square. So it becomes that PI square is equals to OD square minus DP square. Now mark it as equation number 3. Again referring to the other side of the triangle, that is ODP, again the Pythagoras theorem, as it is a right angle triangle. So OP square is equals to OD square minus DP square. So as you can notice from this equation that here you get the value of equation number 3, that is OD square minus DP square equals to OP square. So in equation number 3, instead of OD square minus DP square, put OP square, and it will become that OP is equals to P of I. So what is the conclusion? That image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it.